मई में शुरू हुआ भारत और चीन का सीमा विवाद अभी तक शांत नहीं हुआ है। चीन अब भी भारत की जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं है। उसके बावजूद मोदी सरकार ने दिल्ली मेरठ रेल प्रोजेक्ट एक चीनी कंपनी को दे दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार का चीन विरोध सिर्फ एक दिखावा था? शुरुआत में चीन के खिलाफ सरकार ने कदम उठाने के नाम पर सिर्फ चीनी ऐप पर बैन लगाया था। चीन को जवाब देने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का नारा भी दिया था। उसके बाद सरकार चीन के खिलाफ कदम उठाते नजर नहीं आ रही है। देश का पहला अंडरग्राउंड रैपिड रेल प्रोजेक्ट जो दिल्ली के साहिबाबाद से मेरठ तक जाने वाला है, इसकी कुल लंबाई 5.6 किलोमीटर है। इस रेल प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए सरकार ने नीलामी लगाई थी जिसमें दुनिया भर की 5 कंपनियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन चीनी कंपनी ने बाजी मार ली है। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार को कोई भारतीय कंपनी या फिर चीन के अलावा कोई विदेशी कंपनी नहीं मिली? क्योंकि जब सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए आवेदन मांगे थे उसमें दुनिया भर की 5 कंपनियों ने जो आवेदन दिए थे, सभी कंपनियां तकनीकी ग्राउंड पर खड़ी उतरी। फिर चंद रुपयों के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट चीनी कंपनी को कैसे दे दिया? कहीं कुछ पैसे बचाने के नाम पर सरकार चीनी माल से प्रोजेक्ट तैयार करवाकर लोगों की जान के साथ तो नहीं खेल रही है? सरकार जनता से तो चाहती है कि वो देश में बनी वस्तुएं उपयोग करें, वोकल फॉर लोकल हो, लेकिन खुद एक बड़ा रेल प्रोजेक्ट चीनी कंपनी को देकर आखिर क्या संदेश देना चाहती है? क्या सरकार भूल गई उन 17 सैनिकों के बलिदान को जिन्होंने चीनी सेना के साथ लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी थी? उस वक्त विदेश मंत्री ने कहा था कि अब चीन के साथ हमेशा के लिए हमारे रिश्ते बदल जाएंगे। क्या इस तरह सरकार चीनी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे देकर चीन के साथ रिश्ते बदलेगी? क्या सरकार के इस कदम से सरकार की देशभक्ति पर सवाल खड़े नहीं होते, जो इतनी जल्दी देश के 17 सपूतों के बलिदान को भूल गई है? जिसके फॉलोअर्स दूसरों को तो देशभक्ति सिखाते हैं, वहीं सरकार खुद की देशभक्ति भूल बैठी है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।